हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो गए। चलो, आज का हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स की बात करें तो आप न्यूमेरिकल्स निकालते हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, उसके अंदर अगर आपका आंसर मैच नहीं होता तो आप कहते हो कि सर एरर आ गया है। ठीक है ना? देयर इज द एरर। एरर की बात करें, यहाँ पर हम बात करें तो एरर है क्या? एक्चुअल में एरर है क्या? एरर है क्या? जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस एक्चुअली वो है 4 मीटर ट्रू वैल्यू उसकी, और आपका आंसर आ रहा है 3.9 मीटर, ठीक है, या आपका आंसर आ रहा है 4.1 मीटर। दिस डिफरेंस इज नोन एज यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब एरर हमारे मेनली तीन प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एरर की बात करें, टाइप ऑफ एरर, आपके दिमाग में भी एरर आ रहा है? फिजिक्स पढ़ो, एरर मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि हम एरर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। ध्यान रहे कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले नोटिफिकेशन के वीडियोस हैं, अगले जो वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहें। ठीक है, आपका अपना चैनल लाल दी क्लासेस। ओके, टाइप ऑफ एरर की बात करें तो नंबर फर्स्ट हमारा होता है, वो होता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। नंबर सेकंड हमारा होता है रैंडम एरर। नंबर थर्ड होता है ग्रोस एरर। सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रोस एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर जो होता है, फर्स्ट की बात करेंगे हम, सिस्टमेटिक एरर की बात करेंगे। सिस्टमेटिक एरर जो आपके सिस्टम की वजह से होता है, दिस इट इज अराइज ड्यू टू सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट हम कहना चाहिए, जैसे मान लो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे हो, वो आपने अच्छे से नहीं किया है। ठीक है ना? आप कोई सिस्टमेटिकल एरर मान लो मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट आप सेटअप कर रहे हो वो आपने अच्छे से नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मीटर का स्केल है, ठीक है, और आप मेजरमेंट ले रहे हो और उसके अंदर आप उस मीटर स्केल को एक्चुअल लेंथ की बजाय ऐसे ले रहे हो, तो वो क्या होगा? सिस्टमेटिक एरर होगा। ठीक है, नंबर दो, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट की वजह से, लिस्ट काउंट भी पढ़ेंगे हम। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होती है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना? ओके। नंबर तीन, एक्सटर्नल कॉज, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, ओके। इन सब से, ओके, इन सब से जो हमारा एरर जो आता है क्या कहलाता है? सिस्टमेटिकल एरर कहलाता है। सिस्टमेटिकल एरर की बात करें तो इट कैन बी मिनिमाइज, मिनिमाइज बाई रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको रिपीट करके आप कर सकते हो। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, नेक्स्ट हम करते हैं अगला, रेंडम एरर। रेंडम एरर की बात करें
रैंडम एरर की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिकल एरर हमने पढ़ा था, उसकी वैल्यू अगर एक बार पॉजिटिव आनी होगी स्टार्ट तो पॉजिटिव ही जाएगी, एक बार नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 मीटर स्केल लिया, ठीक है, और 1 मीटर स्केल में आपने 2 सेंटीमीटर जो है वो कट कर दिया, तो हर बार 98 आएगी, अगली बार 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, हर बार 98 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो गई। आपने 2 मीटर स्केल की, 1 मीटर स्केल की बजाय 98 सेंटीमीटर का ले लिया, तो हर बार जो मेजरमेंट होगी वो 98 होगी, ठीक है। जबकि इस एरर की खासियत है कि ये एक बार अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अगली बार पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो नेगेटिव भी आ जाए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या आ जाए नेगेटिव, यानी कि एक बार पॉजिटिव आ रहा है तो अगली बार क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए। तो ये एरर जो हमारा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका बेसिक कॉज क्या होता है? बेसिक कॉज इसका होता है कि इसका बेसिक कारण होता है कि इट इज अराइज ड्यू टू, ये किसकी वजह से अराइज होता है? इट इज अराइज ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ओके, वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई, इन सब की वजह से, ठीक है ना। तो ये चेंज हो सकता है, कभी पॉजिटिव में चले जाए तो कभी नेगेटिव, यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ के अनुसार इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डेल एक्स ये एरर है, डेल एक्स जो है एरर है। इट कैन बी मिनिमाइज बाय, इट कैन बी मिनिमाइज बाई रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका मेन कारण ये भी होता है कि हम एक्सपेरिमेंट जो सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम केयरफुल करें, मतलब ध्यान पूर्वक करें, ठीक है ना, ओके। तो ये था हमारा रैंडम एरर। थर्ड हमारा है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है वो है ग्रोस एरर, जो कि आपकी वजह से होता है। नंबर थर्ड हमारा है ग्रोस एरर, ग्रोस एरर। इट इज अराइज अराइज ड्यू टू केयरलेस, अरे आप तो केयरलेस हो ही, फिजिक्स पढ़ते नहीं हो, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस के कारण अराइज होता है, ये केयरलेस की वजह से राइज होता है। इस डिफेक्ट की हम बात करें, दिस डिफेक्ट इज अराइज टू केयरलेस। जैसे हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन कलेक्शन जो है वो करेक्ट ना ऑब्जर्व करें, करेक्ट नॉट ऑब्जर्व, ठीक है, करेक्ट ना ऑब्जर्व करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.9 × 10³, तो इसको सीधा ले ले 5 × 10³, या सीधा 5,000 हम ले लेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। जैसे मान लिया ये मीटर था, यहां पर हम सेंटीमीटर कर दें, वो केयरलेस हो, क्लियर ना, क्लियर है, अभी बस केयरलेस के कारण हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है केयरलेस के कारण, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इट कैन मिनिमाइज बाय टेकन करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ए केयरफुली सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट का हम सेटअप क्या करें, केयरफुली करें, और क्या करें हम सीधा क्या करें, एक्सपेरिमेंट सेटअप करें, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। जो हमारी एरर्स की हम बात करें किसी भी टर्म की मिनिमम सॉरी मीन वैल्यू जो होती है उनमें से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है मीन वैल्यू में से अगर इंडिविजुअल वैल्यू को हम घटाएं डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द इंडिविजुअल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हमने लेट अस कंसीडर n terms are taken as a1 a2 a3 a4 up to so on an। ठीक है, ओके, देन मीन क्या आ जाएगा, मीन ऑफ टर्म्स, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, ए मीन आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू सोन an अपॉन में n, ये हमारा क्या गया, मीन आ गया। ठीक है ना, क्या गया, मीन। तो n टर्म का मीन हम यहाँ पे ले, ठीक है, n टर्म तक, ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे कि हमने इनका अर्थमेटिक मीन जो हमने निकाला a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 a5 अप टू सोन an अपॉन में n, एन हमने नंबर ऑफ ए टर्म्स लिखी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए मीन दैट इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग 1 to n, समेशन आई वेरिंग 1 to n ए आई, और 1 upon n को बाहर ले लूंगा, आई की वैल्यू बाहर, क्लियर है, ये वैल्यू हमारी ए मीन की आ जाएगी। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट टर्म का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो उसे हम डेल्टा ए वन से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए वन विल बी डेल्टा ए वन दैट इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए वन। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए टू क्या आ जाएगा, ए टू दैट इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए टू, डेल्टा ए थ्री आ जाएगा ए मीन माइनस ए थ्री, डेल्टा ए फोर आ जाएगा हमारा ए मीन माइनस ए फोर, डेल्टा ए फाइव आ जाएगा ए मीन माइनस ए फाइव। इसी प्रकार से अगर हम निकालें तो डेल्टा ए एन आ जाएगा ए मीन माइनस ए एन। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंडिविजुअल टर्म, क्लियर है। मैंने आपसे बताया था मीन अर्थमेटिक मीन में से अगर इंडिविजुअल टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, अब हम बात निकालेंगे, आगे हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सब एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन कर दूं, इन सब का क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, यहां तक ये कर लिया था हमने, चलो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर हम बात करें तो डेल्टा ए वन हमारा एब्सोल्यूट एरर आया ए वन का, डेल्टा ए टू एब्सोल्यूट एरर आया ए टू का, डेल्टा ए थ्री आया हमारा ए थ्री का, ए फोर डेल ए फोर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए फोर डेल ए फाइव और डेल ए एन। इनका मीन निकालेंगे तो डेल ए मीन दैट इज इक्वल टू डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री अप टू सोन डेल ए एन अपॉन में एन, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपसे कोई फ्रैक्शनल एरर पूछ ले, फ्रैक्शनल
एरर, फ्रिक्शनल नहीं, फ्रैक्शनल, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर को हम बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए मेन अपॉन में ए मेन, ठीक है। मेन एब्सोल्यूट एरर एरर अपॉन में अर्थमेटिक मेन, मेन वैल्यू। क्लियर है? आगे बात, अगर आपसे कोई परसेंटेज एरर पूछ ले, क्या पूछ ले, परसेंटेज एरर, तो फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%। फ्रैक्शनल एरर क्या था? डेल ए मीन था अपॉन में ए मीन था, ए मीन ये आएगा भाई, छोटा ए आएगा, ए मीन इनटू 100%, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज एरर। क्लियर है? ओके चलो, ये थे हमारे चार प्रकार के एरर, एब्सोल्यूट मेन फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर, जो आगे 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 चल के आपके यूजफुल होंगे। चलो अब हम बात करते हैं कि हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज हम लेके चलते हैं, उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग एरर्स के अंदर भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होने चाहिए, और अर्थमेटिक ऑपरेशन हम जनरली लेके चलते हैं चार, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं, सबसे फर्स्ट हम लेके चलेंगे एरर इन ए सम, ठीक है। सम की बात करें तो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक्स है, और वो दो टर्म्स या हमारी दो वेरिएबल से मिलकर बनी है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी से मिलकर बनी है। तो हम बात करें तो एरर इन एक्स विल बी डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज आ सकता है डेल्टा एक्स का, चेंज आ सकता है डेल्टा एक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स के अंदर स्मॉल चेंज, मतलब जैसे हम बात करें तो इसके अंदर हमने 100 सेंटीमीटर लिया था, तो 100 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर एक्स का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो इसके अंदर स्मॉल चेंज आ गया, तो स्मॉल चेंज हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। ओके तो डेल एक्स एरर आ गया, ठीक है। अब बात करें एरर इन ए विल बी आ जाएगा डेल ए, और एरर इन बी विल बी डेल बी। तो एक्स की वैल्यू, ये डेल एक्स घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, मैंने आपसे बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब घटना और नेगेटिव का मतलब है बढ़ना होगा, ठीक है। ओके तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ए प्लस माइनस डेल ए, मतलब इसके अंदर जो तो चेंज आएगा वो ये आ सकता है बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है, प्लस माइनस का चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर इधर से हम लेके चलें तो यहां से हम आपको दिख रहा होगा कि हमारी ए और बी की टर्म हम लेना चाहें तो खोल लो इसको, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ए प्लस माइनस डेल ए, प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। तो एक्स को मैं इधर ले आऊं, एक्स को आगे ले आएंगे तो एक्स को क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस डेल एक्स ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इस बी को मैं आगे ले लिया, ठीक है। तो ए प्लस बी किसके इक्वल था, ए प्लस बी तो एक्स के इक्वल था, तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, एक्स एक्स क्या हो गया, उधर लेके जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस डेल एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए,
प्लस माइनस डेल वी। ठीक है, यहां से हम बात करें तो डेल एक्स की वैल्यू प्लस डेल ए प्लस डेल बी हो सकती है, डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल ए माइनस डेल बी भी हो सकती है। ठीक है, डेल एक्स की वैल्यू प्लस डेल ए माइनस डेल बी, डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल ए प्लस डेल बी हो सकती है, मतलब ये चार वैल्यूज आपकी लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था सम। अब बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एरर इन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म हमारी गिवन है जो कि x इज इक्वल टू ए माइनस बी, दो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब x के अंदर एरर इन x, x कितना हो सकता है डेल x, और एरर इन a डेल a, एरर इन b डेल b आ जाए, क्या जाएगा डेल। इसके अंदर हम बात करें तो डेल्टा b हमारा आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि x के अंदर चेंज आ सकता है डेल x प्लस माइनस x, इसके अंदर चेंज आ सकता है a प्लस माइनस डेल a, ये एरर है, मतलब एरर में चेंज आ सकता है, चेंज का मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है ना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब x प्लस माइनस डेल x, a प्लस माइनस डेल a, माइनस b माइनस प्लस डेल b। ठीक है, इसको आप ऊपर लिखना चाहो ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिखना चाहो नीचे, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस जाएगा, माइनस का प्लस। अब x प्लस माइनस डेल x, a इस b को आगे ले जाओ, माइनस b प्लस माइनस डेल a, आपकी मर्जी की बात है इसको प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस ही रहना है। ठीक है, अब a माइनस b किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो x प्लस माइनस डेल x दैट इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ठीक है, x प्लस माइनस डेल x माइनस x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, यहाँ से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है ना, उधर लेके चलेंगे तो वैल्यू आई डेल x प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सम की भी यही आई थी। ठीक है, इसके अंदर भी चार फैक्टर हो सकते हैं, डेल x इज इक्वल टू प्लस a प्लस b, डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल a माइनस डेल b, प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल ए माइनस डेल बी, प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है ना, ओके, ये हमारे चार है, हमारे चार फैक्टर्स के अंदर ये हमें अवेलेबल हो सकता है। क्लियर है, कितने फैक्टर्स में, चार फैक्टर्स के अंदर। ओके, चलो अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा है एरर इन मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंदर एरर, तो x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी हम करेंगे, x इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, दो फैक्टर्स हमारे पास हैं जो वेरिएबल फैक्टर हैं। ठीक है, ए और बी फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसी एक्स उसके अंदर। ठीक है, तो हम बात करें तो एरर इन एक्स क्या होगा, एरर इन एक्स विल बी डेल एक्स हो सकता है, डेल एक्स चेंज इन एक्स। ठीक है, एरर इन ए विल बी क्या हो सकता है, डेल ए, और एरर इन बी विल बी डेल बी। ओके, ठीक है ना,
अभी हम इसके अंदर रखेंगे तो x प्लस माइनस डेल x, ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी, यही एरर हो सकता है। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस माइनस डेल x। अब इस ए को इस कंप्लीट से, फिर डेल ए को इस कंप्लीट से, ए इंटू बी प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहां से। अब मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या कर लो, इनमें से ए और बी कॉमन ले लो, ए और ए बी, ए और बी कॉमन ले लें तो इसमें से ए कॉमन लेंगे, ए ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, यहां से आ जाएगा बी 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये आगे ए इंटू बी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स ए बी इंटू 1 प्लस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो यहाँ से हम बात करें तो ये किसके इक्वल है हमारा, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स। अब ये ए बी किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, ए इंटू बी एक्स के इक्वल था, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, एक्स एक्स कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स। अब इसको क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 को 1 से 1, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस इसको 1 से डेल ए बाई ए प्लस माइनस इन दोनों का करेंगे डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी आ जाएगा। अब डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो स्मॉलर टर्म है, स्मॉलर टर्म है, सो इट विल बी नेगलेक्ट, क्या कर दी जाएगी, नेगलेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, 1 से 1 है कैंसिल, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, दिस इज द एरर इन ए मल्टीप्लीकेशन। क्या है एरर इन ए मल्टीप्लीकेशन है। अगला हम करेंगे नेक्स्ट, अगला एरर, अब तक हमने सम में किया, सब्ट्रैक्शन में किया और मल्टीप्लीकेशन में किया, तो अगला हम करेंगे एरर इन क्यूशेंट, एरर इन क्यूशेंट, एरर इन ए क्वेशेंट करेंगे। ठीक है, ओके, हमारे पास फैक्टर हमने ले लिया एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी, एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, ए अपॉन ए बी हमने ले लिया, और हम अगर बात करें तो डेल्टा एक्स के अंदर एरर इन एक्स विल बी डेल एक्स एंड एरर इन ए ए विल बी एरर इन ए, एरर इन ए, एरर इन ए विल बी आ जाएगा डेल डेल ए एंड ए, एरर इन बी विल बी डेल बी आ जाएगा। तो इसके अंदर कर दो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स डेल एक्स प्लस सॉरी ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन में बी प्लस माइनस डेल बी, इसमें से ए कॉमन निकालो, इसमें से बी कॉमन निकालो, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस, इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन आ गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स,
ये वैल्यू आ गई ए इंटू वन प्लस डेल ए बाई ए, और ये वैल्यू आ जाएगी बी इंटू वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ए बाई बी, ए बाई बी किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। एक्स वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, एक्स इंटू वन प्लस डेल ए बाई ए अपॉन में वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी आ जाएगा। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया। आगे क्या कह रहा है, वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, इसको ऊपर ले आओ वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, यहां से वैल्यू लेके चलेंगे वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी इंटू माइनस वन। ठीक है, अब सोल्व बाइनोमियली, वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी की पावर माइनस वन। डेल बी बाई बी इज वेरी स्मॉलर देन वन, सो वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, इसके बराबर रख दिया जाएगा। वन प्लस माइनस डेल एक्स दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रखेंगे इसके अंदर वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी। वैल्यू आ जाएगी वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, वन प्लस माइनस डेल ए, सॉरी वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी इंटू डेल ए बाई ए। तो ये टर्म क्या है, डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी इज स्मॉल, सो इट नेगलेक्ट, क्या कर दी जाएगी, नेगलेक्ट। वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए एंड प्लस माइनस डेल बी बाई बी, वन से वन कैंसिल। आंसर क्या बचा, डेल एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, वही सेम आंसर जो कि मल्टीप्लिकेशन में था। क्लियर है, चलो आगे हम करते हैं नेक्स्ट, पावर, एरर इन पावर्स, एरर इन पावर, एरर इन पावर लेके चलते हैं। एरर इन पावर, ठीक है, अब हमने फैक्ट ले लिया एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम और बी की पावर एम, ठीक है, ओके, ठीक है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड लॉगरिथम ले लो, लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम, लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एम माइनस लॉग बी की पावर एम। पावर आगे आ जाएगी लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू एम लॉग ए माइनस एन लॉग बी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, इसका आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है और एक्स का डी एक्स होता है, ये एक्स है, हम बात करें तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी एक्स, और लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, जो कि हमने डिफरेंशिएशन के अंदर स्टडी किया था। ओके चलो, इसका आ जाएगा एम एज इट इज डी ए अपॉन ए माइनस एन एज इट इज डी बी अपॉन बी। अब ये जो एक्स डी एक्स है ना, ये जो डी एक्स है, डी एक्स कह लो डेल एक्स कह लो, ये स्मॉल चेंज है, ठीक है, डी ए कह लो डेल ए कह लो स्मॉल चेंज है, डी बी कह लो डेल बी कह लो स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज,
अब स्मॉल चेंज जो है वो प्लस भी हो सकता है और है माइनस भी। तो डेल एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू एम डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, दिस इज द एरर इन पावर। क्लियर है? ओके, ये थे हमारे एरर्स। ठीक है, अगले पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ और इसके न्यूमेरिकल्स। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।